राधे की जिंदगी का एक ही मकसद था कि मुझे जो है ना शादी करनी है। सो हमने बचपन से उस राधे को देखा है जो 24 घंटे जो है ना इसी मकसद इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा था कि एक दिन जो है मुझे एक बहुत बढ़िया मिसेज मिलेगी। हिंदुस्तान में तकरीबन आई थिंक एक बहुत बड़ा वर्ग है जहाँ पर कई ऐसे लड़के हैं जिनको लगता है कि रोटी कपड़ा मकान और शादी जो है ना सब कुछ मेरे माँ बाप जो है मुझे थाली पे परस करके दे देंगे। ये कहानी जो है ये शो जो है वो ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जिसकी जर्नी जब शुरू होती है तो बहुत ही सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर है जिसके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसको एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए जिसके साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी बिता सके। मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उस लड़की के माध्यम से जो है एक नया राधे निकल करके आता है। और शो की का जो नैरेटिव है जो इसकी दुनिया है जिस तरीके के पात्र हैं जो भाषा हमने इसमें जिसका इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही रियल है। वो किसी भी तरीके से जिसको हम कहते हैं कल किसी टेलीविज़न वाली भाषा नहीं है। उसमें कई शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जैसे बवंडर कंटाप और जो हार्डकोर जो लोग नॉर्थ से आते हैं जो लखनऊ और कानपुर से आते हैं जिन्होंने उस तरीके की जो एक कलोकियल जो लैंग्वेज है जो जिस माहौल में पले बढ़े हैं जो हमने देखा हुआ है वो सारी चीज़ों की झलक आपको इस शो में दिखाई पड़ेगी। और हमने एक्चुअल लोकेशंस पे शूट किया है तो शुरुआत में जब कहानी की शुरुआत होती है तो आपको एक जो कानपुर की जो एक रियल फील है जो कानपुर की जो असली लोकेशंस हैं मतलब सब कुछ फिल्म सिटी के अंदर नहीं है तो जैसा होता है जनरली शोज़ में। एक उस माहौल को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करी गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑनसेम्बल कास्ट है। उम्मीद करता हूँ कि लोगों को कहानी पसंद आएगी जो इसकी जो एक इनोसेंस है कहानी के अंदर जो एक वास्तविकता है कहानी की वो शायद पसंद आएगा लोगों को। सो विल दैट्स इट। थैंक यू सर, थैंक यू राधे. आई एम श्योर दैट ऑडियंसेस विल लव वॉच. कृष्णा अभी हम लोग दिखाना नहीं चाह रहे हैं बिकॉज एक कृष्णा को लेकर के कहानी में एक ट्विस्ट है इसलिए उसको हम लोग रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। सो कहानी की शुरुआत जो असली कहानी का मुद्दा है वो राधे के अराउंड है। अब कृष्णा की जब कहानी में एंट्री होती है तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और उस पे जो है उसको थोड़ा सा हमने अभी अंडर कवर करके रखा हुआ है। बट असली मुद्दा जो है वो कृष्णा के लंदन जाने में है जो कि आपको टाइटल में दिखाई पड़ता है। दैट्स द मिस्ट्री अबाउट द प्लॉट। नो नॉट रियली। लंदन इज़ वेरी डीपली कनेक्टेड टू द रूट कॉज ऑफ वॉट कृष्णा वॉन्ट्स टू डू इन हर लाइफ। उसके साथ कहानी में लंदन कनेक्टेड है उसके मुद्दे के साथ लंदन कनेक्टेड है इसलिए जो है लंदन को चुना गया। तो जैसे जैसे कहानी खुलेगी शो लॉन्च होगा और तकरीबन 2 हफ्ते की कहानी आगे जाएगी तो उसके बाद लंदन ही क्यों ये मुद्दा खुल करके सामने आ जाएगा। हेलो, आरती सक्सेना. या जी हाय। राधे का जिक्र है नहीं है, कृष्णा का जिक्र है और राधे को इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसके पीछे कोई खास वजह? इसके पीछे देखिए यही मकसद था कि इस पे बातचीत शुरू हो डिस्कशन हो। हम इस कहानी का नाम रख सकते थे राधे की मिसेज लंदन जाने वाली या समथिंग कर सकते थे। तो बहुत ही एक सिंपल सा एक उसका अप्रोच होता। आज की तारीख में ऑल ऑफ अस नो जिस तरीके का कंपटीशन टेलीविज़न के अंदर हो गया है अभी अगले 1 महीने में कुछ नहीं होगा तो कम से कम 6 या 7 शोज़ लॉन्च होंगे अक्रॉस चैनल हर ब्रॉडकास्टर्स मतलब बिटवीन ऑल द चैनल्स। सो उसमें उस भीड़ में आपको अपनी कहानी कहनी भी है कहानी लोगों तक पहुंचानी भी है लेकिन कहानी को लोगों को पहुंचाने से पहले कहीं ना कहीं जो सबसे पहला कम्युनिकेशन होता है वो टाइटल का होता है। वो टाइटल रजिस्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 4-5 ऑप्शंस थे लेकिन हमको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं बहुत ही आम साधारण से ऑप्शंस हैं जो शायद लोगों में रजिस्टर ना हो। तो पूरा आइडिया यही था कि हम कॉन्सेप्ट के बिल्कुल करीब रहें कॉन्सेप्ट के कोर से जुड़े रहें मगर टाइटल जो हो वो इतना क्वर्की हो जहाँ पर जैसे ही हमने टाइटल को लोगों के सामने पेश किया तो कोई ये बोलेगा अच्छा ये लड़का जो है ना ये लड़का कृष्णा है बिकॉज कृष्णा नाम भी जो है अपने आप में लड़कों का भी हो सकता है लड़की का भी हो सकता है। उसी तरीके से राधा जो है वो एक लड़की का नाम हो सकता है। सो वी हैव जस्ट ट्राइड ट्विस्टिंग द थिंग्स लिटिल बिट सो दैट कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में और कहानी सुनाने के तरीके में एक इंक्लूडिंग द टाइटल एक क्वर्किनेस मेंटेन रहे। दैट वॉज द होल आइडिया।
और इसकी शूटिंग लंदन में भी होगी कि सिर्फ? इसकी शूटिंग लंदन में भी होगी, बिकॉज वो कहानी का एक मेजर प्लॉट है जो सेकंड फेज ऑफ द स्टोरी है. इसकी शुरुआत जो है अभी हमने कानपुर में लखनऊ में शूट से शुरू करी. तकरीबन सवा महीने का हमारा स्केड्यूल था लखनऊ का, सो वो हमने वहाँ पर शूट किया है. और जो तकरीबन 6 से 7 महीने की कहानी के बाद जब कहानी में ट्विस्ट आता है, दैट्स व्हेन कृष्णा लंदन जाती है, तब उसकी करीब एक लंबा फेज होगा जो लंदन में शूट होगा. अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि सारे चैनल वाले कानपुर वालों को ही क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि भाभी जी घर पे है, पूरा कानपुर बेस्ड था. नहीं, अब क्या हो गया ना, वहाँ के लोगों ने यहाँ पर आकर के अपने वर्चस्व जमा दिया है. सो ट्रेलर देखा, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो किरदार है उसमें आपके उतनी सही है. जो ट्रेलर हमने देखा उसी में हमें थोड़ा सा जो बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी है उसमें जो वरुण का किरदार है या थोड़ा सा स्टाइल, वो उसका झलक देखा, कितना रिजेम्बलेंस. और कुछ कुछ पता नहीं कहानी भी ऐसे लग रहा है, कानपुर का लड़का लड़की लंदन जाती है, कुछ तो वो वैसा है. नहीं देखिए, दो तीन चीज़ें होती हैं. एक तो जैसे मैंने कहा था, इस शो पे हमने काम तकरीबन 6 साल पहले करना शुरू किया था, जो बद्रीनाथ से बहुत पहले था. मतलब आई विल कम टू द टू योर क्वेश्चन द सेकंड फेज. बट होता क्या है कि कहानियाँ ऐसी होती हैं ना कि जब आप एक किसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पे 6 और लोग भी उसी टाइप के, उस माहौल के, उस दुनिया के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हैं. सो कई बार जो है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस कुछ चीज़ें जो हैं जिनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं जाकर के. एज आई सेड, इस कॉन्सेप्ट को हम पिछले तकरीबन 6 साल से बनाने की कोशिश कर रहे थे और 2011 से लेकर के 2018 तक, 2011 में पहली बार था जब इसका हमने वन पेजर लिखा था और व्हेन वी डिसाइडेड टू पिच इट टू अ नेटवर्क, चीज़ें उस समय हो नहीं पाई. उस दौरान जो है बद्रीनाथ भी रिलीज़ हो गई, तब हमको ऐसा लगा कि अच्छा ये तो कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ऑलरेडी निकल गया है. सो हमने फिर अपने प्लॉट में चेंजेस करना शुरू किए. लड़के का जो कैरेक्टर है वो आई वुड से 50-60% इट माइट बी इन दैट सेम स्पेस, बट वो सिमिलैरिटी वहीं से शुरू होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है. क्योंकि ना बद्रीनाथ में कोई लड़की कभी लंदन जा रही थी, ना बद्रीनाथ में कोई जाती है. वो विदेश जाती है काम करने के लिए, वो बिल्कुल अलग प्लॉट है. जब आप शो को देखेंगे तो इसमें तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है. लेकिन जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कि दैट क्या लड़के का कैरेक्टर बद्रीनाथ में वरुण के कैरेक्टर के साथ मिलता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि तकरीबन 10-15% जो है सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं. बिकॉज हम जब एक माहौल लेकर के चलते हैं, किसी एक दुनिया की कहानी लेकर के चलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पात्रों में सिमिलैरिटीज होगी. तो चाहे हम बरेली की बर्फी लें या बद्रीनाथ की दुल्हनिया लें, तो ओवरलैपिंग उन फिल्मों में भी कहीं ना कहीं होगी जाकर के, क्योंकि हम एक माहौल की कहानी बता रहे हैं. मगर वो सिमिलैरिटी सिर्फ बातचीत करने के तरीके में और इक्का दुक्का पॉइंट पे शुरू होकर के वहीं पे ख़त्म हो जाती है. बिकॉज जहाँ, और खास करके जब हम टीवी के लिए कोई शो बनाते हैं, 2.5 घंटे की फिल्म बनाना है, एक चीज़ है, आप एक मुद्दे को उठाते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं. जब टीवी के लिए शो बनाते हैं तो हमको 50 चीज़ें लेकर के चलनी पड़ती हैं, अलग कैरेक्टर्स बनाने पड़ते हैं. तो जहाँ आप पहले 5 एपिसोड देखेंगे तो आपको ना इसमें कोई सिमिलैरिटी, इसके और मतलब बद्रीनाथ के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखाई पड़ेगी. ओके, तो वैसे बहुत सारे सवाल हमारे पास है, लेकिन फिलहाल हमारे पास 1-on-1 इंटरेक्शंस भी है और वी ऑल्सो हैव इंटरव्यूज हैपनिंग लेटर. तो उसके लिए फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मैं रिक्वेस्ट द मेंबर्स ऑफ द मीडिया टू प्लीज स्टेप फॉरवर्ड. गौरव, गौरव, आई एम धर्मपाल फ्रॉम ट्रिब्यून चंडीगढ़. द शो सीम्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. डू यू थिंक इट विल गो वेल विद द व्यूअर्स? आप हमसे हिंदी में बात कर सकते हैं? शो दूसरे शो से अलग हटकर है जी, बिल्कुल. आपको क्या लगता है शो जो है दर्शक इसको पसंद करेंगे? पहले से पसंद कर रहे हैं, हमारे टीचर से ही पसंद, इतना प्यार मिल रहा है हमको. अब आप सब देखिए, आप भी इकट्ठा हुए हैं हमको प्यार देने के लिए, तो इकट्ठा हुए हैं आप भी. गौरव, आप अमृतसर से हैं? जी बिल्कुल. नाउ यू आर इन, अब आप मुंबई में हैं, तो अमृतसर क्या मिस करते हो आप? खाना बहुत मिस करते हैं हम अमृतसर का, पराठे और मखनी दाल, कुलचे छोले. All the best. Fantastic. Thank you so much. Members of the media, photo opportunity kar lete hain. And after that, we're going to be starting with the one-on-one interactions. On behalf of Star Plus, thank you so much for being such a wonderful audience as always and for joining us here for this very special evening. Thank you.
काफ़ी तैयारी तो काफ़ी की है हमने, हमने कैरेक्टर पे काफ़ी वक्त काम किया है। देखिए अब वैसे तो हम पंजाबी है और क्या बोलें, अभी पंजाबी हमारा मेन, बेसिकली मेन एक्सेंट तो हमारा पंजाबी था, तो इस लैंग्वेज पे बहुत काम किया हमने और इस लैंग्वेज काम करवाने के पीछे सौरभ सर का बहुत बड़ा हाथ है। ओके सर, कितना मुश्किल था एक पंजाबी कैरेक्टर को यूपी कैरेक्टर में डालना? नहीं देखिए, कैरेक्टर तो यूपी का ही था, ये जिस इसकी ऑब्वियसली गौरव की जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो पंजाबी थी, बिकॉज आप जिस जिस माहौल में पले बड़े हैं वहाँ की लैंग्वेज आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होगी। तो आते ही सबसे पहले जो मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुम लोगों से ना अब पंजाबी में बात करना बंद कर दो, बिकॉज करीब एक डेढ़ महीने का टाइम था और वो एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल था कि दैट किसी से भी पंजाबी में बात नहीं करोगे और जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं, लाइक जैसे अगर मैं यूपी से आता हूँ, जब मैं आता हूँ सो जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, जिस डायलेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, वो डायलेक्ट जो है कॉपी करना बहुत ज़रूरी था। हमने इसको एक महीने में तकरीबन आठ दस जो है यूपी बेस्ड जो वहाँ की जो फिल्में हैं, भोजपुरी फिल्मों से लेकर के वहाँ की फिल्में जो है बैक टू बैक वीडियोस और वो सारी चीज़ें दिखाते रहे। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जिसका क्रेडिट मैं गौरव को ही दूंगा, जिस तरीके से डेढ़ महीने के अंदर इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आज की तारीख में कोई बोल नहीं सकता है कि दैट गौरव जो है एक अमृतसर का लड़का है जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है, बिकॉज जितनी आसानी से इसने एक बॉडी लैंग्वेज और डायलेक्ट सब उठा लिया, दैट वाज कंप्लीटली सरप्राइजिंग फॉर अस। ओके गौरव, नर्वस है, एक्साइटेड है, क्या चल रहा है मन के ऊपर? अभी तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है, नर्वस तो कभी नहीं होता मैं जिंदगी में। कभी क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं अभी, क्योंकि और भी काफ़ी कंटेंट है और भी काफ़ी चैनल्स हैं और भी बड़े एक्टर हैं, शो भी चल रहे हैं, तो आप किस तरीके से उसमें कुछ अलगपन लेकर आएंगे और अलग चीज़ें? देखिए अलगपन, अब हम आ रहे हैं और सौरभ सर का शो है तो वही अलग है हमारे लिए, तो हम खुद अलग हैं, हम बाकियों से तो किसी से कुछ लेना नहीं, हमको खुद अलग है, बस अलग चीज़ कर रहे हैं, मेहनत की है। घर वालों से बात बहुत कम होती थी इन दौरान, बिकॉज हमारे घर में ना पंजाबी बोलते हैं, बहुत टिपिकल पंजाबी बोलते हैं, तो हमने बात करना बंद कर दिया था घर पे कि हमको कैरेक्टर में काम करने के लिए हमको टाइम मिले। सारे फ्रेंड्स से मिलना बंद कर दिया था बिकॉज कैरेक्टर पे काम करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिले हमको, काफ़ी मूवीज़ देखी, बुक्स पढ़ी हमने, तो अच्छे बढ़िया चल रहा है। आप अब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके सर, राधे को ढूंढना कितना मुश्किल था, जिस तरीके से आपने बताया कि आप बहुत, एक, बहुत। रियल कहानी से आप कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है और आपके कोई रिलेटिव जो है वो उस तरीके का कैरेक्टर है, तो मतलब कितना मुश्किल था कि एक रियल कैरेक्टर को देखना, फिर एक कहानी से फिर कोई रियल कैरेक्टर को ढूंढना, कितना? देखिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि राधे की जो इनोसेंस है वो कई बार कई लोगों को ऐसा लगेगा कि वो बेवकूफ़ है, वो बहुत थिन लाइन होती है इनोसेंस और बेवकूफ़ी के बीच में। प्रॉब्लम क्या है, आज की तारीख में जो 90% आर्टिस्ट होंगे, एक्टर्स होंगे राधा, जो मतलब जो लीड प्ले कर रहे होंगे, आप उनके लिए एक सीन लिखिए स्क्रीन का, जिसको पढ़ करके अगर उस सीन के अंदर ऐसा हो रहा है कि उनको उनके अराउंड या उनको लेकर के कोई बकुनरी हो रही है या कोई ऐसी चीज़ जिसमें जो नॉन हीरोइक है, 90% एक्टर्स इस चीज़ को करने को तैयार नहीं होंगे, उनको लगेगा अरे यार मेरा बेवकूफ़ कट रहा है। चार्ली चैपलिन ने अपना पूरा का पूरा करियर, चार्ली चैपलिन द बिगेस्ट यू नो एंटरटेनर वी हैव एवर सीन, उसका पूरा का पूरा करियर उनका जो है एक खुद को लेकर के मजाक करने को लेकर के बना है, एंड दैट्स हाउ चार्ली चैपलिन बिकेम चार्ली चैपलिन। ओके, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम अपने अगल बगल जो है ना एक ऐसा माहौल, अपने आप को इतना ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि हम अपने खुद के ऊपर हंस नहीं सकते। सो राधे का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा कैरेक्टर है कि जहाँ जब लोग उसको देखेंगे तो देख करके वो उनको एक हंसी भी आएगी, किसी को लगेगा थोड़ा सा बेवकूफ़ है, किसी को लगेगा ये बेवकूफ़ से ज़्यादा इनोसेंट है,
तो जब इस तरीके का एक चैलेंजिंग कैरेक्टर होता है तो उसके लिए उस एक्टर को ढूंढना भी अपने आप में मुश्किल हो जाता है। सो सबसे पहली चीज़ ये थी कि ऐसा कोई एक्टर हो जो देखने में बहुत ही इनोसेंट लगे। सो जब हम गौरव से मिले तो ऑब्वियसली जब स्क्रीन टेस्ट किया तो स्क्रीन टेस्ट करते ही सबसे पहली चीज़ जो सामने आई कि दैट ही लुक्स वेरी इनोसेंट, एंड देन बाकी चीज़ें तो हमने नेटिग्रिटीज़ तो वर्कआउट कर ली, चाहे वो परफॉर्मेंस पे हो, वर्कशॉप हो। तो या इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। तकरीबन 30 से 35 लोगों को का ऑडिशन किया गया, वो 35 लोगों का ऑडिशन करने के बाद फाइनली ओके। कृष्णा की एंट्री कब होने वाली है? कृष्णा की एंट्री शुरुआत में होगी, आपको पहले हफ्ते में मिल जाएगी 21 मई रात को 9 बजे। ओके, आज आपने उनसे नहीं मिलाया, उसकी क्या वजह है? मतलब सरप्राइज देना चाहते हैं? वो एक सरप्राइज है एपिसोड के अंदर जानबूझ करके, बिकॉज कहानी जो है वो राधे से जुड़े हुए मुद्दे के अराउंड है, जो राधे अपने लिए बीवी ढूंढ रहा है। तो जिस बीवी से मिलने के लिए राधे को इतना इंतजार करना पड़ रहा है, उस बीवी से मिलने के लिए ऑडियंस को भी कुछ टाइम के लिए इंतजार करना चाहिए। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? देखिए, हमने तकरीबन एज आई सेड करीब 6-7 साल से इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और शूट तकरीबन पिछले 6-7 महीने से प्री प्रॉड और शूट वूट पर काम हो रहा है इसके। बड़े दिल से बनाया हुआ शो है, सारे नए एक्टर्स हैं। जितनी हमको ज़रूरत है इस शो के चलने से, शायद उतनी ही ज़रूरत इस शो से जुड़े हुए जितने भी आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि कहानी के अंदर एक फ्रेशनेस है, एक नयापन है। और लेट्स सी, अगर लोगों का प्यार मिलता है, शो पसंद करते हैं, तो हम सबके लिए बहुत ही एक अच्छी बात होगी, एंड दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। कुछ कहना चाहिए? अगर आपकी नज़र में कोई हो तो बता दीजिएगा हमको। राधे, आपकी आप अपने बचपन से अपनी वाइफ के बारे में सोचो, तो क्या क्या सोच रखा उनको उनके बारे में, क्या आपकी वाइफ ऐसी? देखिए, हम थोड़ी देर पहले कविता सुनाए थे, तो हमारी ज़िंदगी मतलब बचपन से लेके अभी तक का हमने सब उसी में डाल अब लिख कर जाहिर कर दिया कि हमने बाइक ले लिया है, सूट भी सिलवा लिया है, रेडियो पर गाने सुनाएंगे, अगर हमारी आवाज़ नहीं अच्छी लगेगी तो रेडियो पर सुनाएंगे, फेवरेट हीरो जो भी होगा हम वही बनेंगे, तो आपको खुश करने की हर कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।